ये आज सुबह की तस्वीर है। एक ओर चमोली के बद्रीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी ने सबका मन मोह लिया, तो दूसरी तरफ 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से ऋषि गंगा घाटी में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। तपोवन और रैणी में रेस्क्यू अभियान जारी है। बार बार पंपिंग मशीन के जरिए सुरंग से पानी निकाला जा रहा है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तपोवन सुरंग के अंदर SFT यानी सिल्ट फ्लशिंग टनल के मुहाने तक मलबा हटा दिया गया है, लेकिन पानी का रिसाव ज़्यादा होने के चलते यहाँ मलबा हटाने के काम में दिक्कत पेश आ रही है। आपदा के बाद से जोशीमठ थाने में 205 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जिसमें से 71 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं NDRF और SDRF तपोवन और रैणी क्षेत्र में खोज अभियान में जुटी हुई है। NTPC से मिली जानकारी के मुताबिक टनल के SFT पॉइंट के मुहाने तक मलबा हटा लिया गया है। यहां से टनल नीचे की तरफ है, लेकिन पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा होने के चलते आगे बढ़ना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा। यहां पर 3 पंप से पानी बाहर निकाला जा रहा था, अब एक और पंप लगाकर पानी बाहर फेंका जा रहा है। जब तक पानी का रिसाव कम नहीं होता, तब तक आगे बढ़ना खतरनाक है। आगे टनल नीचे की तरफ है, जिससे अगर पानी तेज हुआ तो बचाव कर्मियों के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल पानी कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ऋषिगंगा नदी पर पैंग गांव के सामने बनी झील से अब पानी की निकासी के लिए ITBP और SDRF के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। यहां पर 300 मीटर लंबी झील बन गई है। रेस्क्यू टीम की ओर से झील के मुहाने से मलबा और भारी भरकम पेड़ों को काटकर हटाया जा रहा है। बीते कई दिनों से झील से 2 फीट पानी कम कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि झील के मुहाने से ज़्यादा पानी में मलबा हटाकर झील के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा रिसाव किया जाए। झील से पानी लगातार कम हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओ संजीव, आगे से आते इधर को हो जाओ, आगे से कलाकार दिखा। फरवरी को SDRF की टीम ऋषिगंगा झील पर मुहाने को बड़ा करके पानी का डिस्चार्ज बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो यहाँ पर टीम इस समय कार्य कर रही है, SDRF के 10 जवान, 12 पोर्टर और 1 ITBP का जवान मौजूद है। कुल लोग 23, कुल 23 लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और पानी का डिस्चार्ज भी बढ़ाया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े हैं, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।